हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी रोज़ शाम 4 बजे TGT की क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, आप लोग ज़रूर अटेंड किया करें। ठीक है, आपकी आहार एंड पौष्टिकता वाली यूनिट चल रही है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कल पौष्टिकता की, मैंने उससे पहले वाली क्लास में पौष्टिकता की संकल्पना, आहार की संरचना एवं कार्य का, ठीक है, पहला पार्ट पढ़ लिया है। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो आहार की संरचना एवं कार्य का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है, जिसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि आहार की संरचना क्या है। ठीक है, और आज हम लोग जानेंगे कि आहार के कार्य क्या हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है आहार एवं पौष्टिकता में, TGT का है ये सिलेबस। ठीक है, पौष्टिकता की संकल्पना मैंने पढ़ा दी है, आहार की संरचना मैंने पढ़ा दिया था कल, आज का टॉपिक है आहार के कार्य। ठीक है, और अगर आपको इसकी सारी PDF देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ TGT 2020 लिखा होगा, वहाँ जाके आप सारी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो आहार के कार्य हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं, एक शारीरिक कार्य, दूसरा मनोवैज्ञानिक कार्य, तीसरा सामाजिक कार्य। ठीक है, पहला क्या कार्य होता है, ठीक है, आहार का ऊर्जा प्रदान करना। देखिए क्या होता है कि जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के संचालन और क्रियाशील रखने के लिए, ठीक है, शरीर को किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। ठीक है, और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है मनुष्य को, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों से। ठीक है, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, तो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से मिलती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो तत्व होते हैं शरीर में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये सब पोषित है शरीर में, क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत होकर शरीर को क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ठीक है, ये सब क्या प्रदान करेंगे, जब ये शरीर में ऑक्सीकृत हो जाते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये शरीर आहार का क्या कार्य है, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा है उत्तकों का निर्माण, ठीक है, और क्षतिपूर्ति। क्या होता है कि भोजन का एक अन्य इम्पोर्टेंट कार्य क्या होता है कि शरीर का निर्माण करना, ठीक है, और शरीर की आधारभूत न्यूनतम इकाई कोशिका के निर्माण के लिए प्रोटीन कोशिका, लिख लीजिए, कोशिका के निर्माण के लिए क्या करना, प्रोटीन जल, प्रोटीन की जल की व अनपौष्टिक तत्व की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, और शरीर निर्माण का कार्य कब शुरू हो जाता है, जन्म लेने से पूर्व ही क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, और तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति का शारीरिक विकास पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, व्यक्ति की संपूर्ण लंबाई और भार प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है, शरीर में कई बार उत्तकों की टूट फूट होती रहती है, फिर क्या टूट फूट होती रहती है, फिर उसका क्या होता है, टूट फूट की मरम्मत के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पौष्टिक तत्व की। ठीक है, वयस्क व्यक्ति, जो एक वयस्क व्यक्ति होता है, ठीक है, वयस्क व्यक्ति के शरीर में पौष्टिक तत्वों की मांग किसके लिए, केवल शारीरिक वृद्धि के लिए नहीं, जबकि शारीरिक क्रिया को सही रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें क्या, पौष्टिक तत्वों की मात्र केवल शारीरिक वृद्धि हेतु नहीं, बल्कि शारीरिक क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए होता है, और उत्तकों की जो टूट फूट होती है उनकी मरम्मत करने के लिए होता है। फिर आपका जो शैशवावस्था होता है, ठीक है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था, पौष्टिक तत्व शरीर का निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, शरीर निर्माण करने वाले पौष्टिक तत्व कौन कौन से बता दे रहे, पौष्टिक तत्व है प्रोटीन, खनिज, शरीर का निर्माण और खनिज, लवण और जल है। ठीक है,
प्रत्येक कोशिका के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। लिख लीजिए, कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिकाओं में होने वाले कई रासायनिक क्रियाओं में प्रोटीन का विशेष स्थान होता है। जो कोशिकाओं में जो भी रासायनिक क्रिया होती है उसमें क्या होता है, प्रोटीन का विशेष स्थान होता है, ठीक है। और शरीर निर्माण की दृष्टि से, आपके शरीर निर्माण की दृष्टि से ठीक है, दृष्टि से कैल्शियम कैल्शियम फास्फोरस और मैग्नीशियम लौह रबर, ठीक है, लौह रबर और आयोडीन जैसे खनिज जो तत्व हैं, लवर है उपयुक्त है, महत्वपूर्ण है। आयोडीन जैसे खनिज लवर महत्वपूर्ण है। तो शरीर निर्माण की दृष्टि से आपके कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लौह लवर और आयोडीन जैसे जो खनिज लवर हैं वो महत्वपूर्ण है। फिर शरीर से रोगों की रक्षा और शरीर के नियमन में सहायक, तो क्या होता है कि जब क्या होता है कि ये है ना, ये भोजन हमारा क्या करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, और साथ ही हमें रोगों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, रोग से हमारी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व क्या होते हैं, रोग से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं, रोग से हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। जो विटामिन होता है, खनिज लवर होता है, विटामिन हो गया आपका, खनिज लवर, प्रोटीन, ये क्या करते हैं, ये वे पोषक तत्व हैं जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आपका जो प्रोटीन सॉरी आपका जो विटामिन है, ठीक है, विटामिन और खनिज लवर सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और किसी विशेष विटामिन अथवा खनिज लवर की कमी से शरीर में क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन ए के कारण क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाती है, सबको पता है, ठीक है। लौह लवर की जब कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त अल्पता, ठीक है। यदि आहार द्वारा शरीर को पर्याप्त मात्रा में खनिज लवर और विटामिन नहीं प्राप्त होता है तो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता क्या होती है, अगर उसे क्या होगा कि अगर उसे पर्याप्त मात्रा में विटामिन और खनिज लवर प्राप्त नहीं होंगे तो व्यक्ति को तो क्या होगा, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए शरीर में रोग क्षमता और सही से रोगों को लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, विटामिन और खनिज लवर की मात्रा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। फिर ऐच्छिक अनैच्छिक कार्य, देखिए जो कुछ कार्य भोजन के द्वारा क्या होता है कि हमारे शरीर के कुछ ऐच्छिक अनैच्छिक कार्य सही रूप से हो जाते हैं, जैसे कि किसका, देखिए ये तो बताया है ना मैंने कि भोजन क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और यह ऊर्जा शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को सफल और संचालन के लिए बहुत आवश्यक है। ऐच्छिक में जो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, अनैच्छिक का जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। जैसे ऐच्छिक में चलना, उठना, दौड़ना आदि मांसपेशी क्या होती है, गतिविधि होती है। और अनैच्छिक कार्य में जो हमारे बस में नहीं होता, जैसे हृदय का धड़कना हमारे बस में नहीं है, श्वसन तंत्र हमारे बस में नहीं है, पाचन तंत्र, ये सब क्या, आंतरिक अंगों का सुचारू रूप से कार्य करना, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दूं कि आपके 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना, ये लिख लीजिएगा, पूछा जाता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। क्यों
क्योंकि हमारे जो आहार में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट तत्व उपस्थित होता है जो हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को, ठीक है। साथ ही सुपाच होता है, ठीक है, 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। फिर है भूख को शांत करना। देखिए शारीरिक कारण में आता है का भूख को शांत करना, बिल्कुल सही है। क्या होता है कि जब इंसान को भूख लगती, वैसे लोग कहते हैं कि क्या जब इंसान को भूख लगती है तो क्या करता है, भोजन करता है, ठीक है। तो मनुष्य है जो बिना भोजन के नहीं रह सकता, ठीक है, कोई भी बिना खाना खाए वो कार्य कर ही नहीं सकता है, क्योंकि एक जटिल शारीरिक क्रिया के बाद इंसान को क्या लगती है, भूख लगती ही है, ठीक है। और हमारा पाचन तंत्र शरीर हमारे मस्तिष्क को संदेश देता है कि हमारे शारीरिक कार्य हेतु आहार लेने की क्या है, आवश्यकता है, जरूरत है, ठीक है। मस्तिष्क इस जो मस्तिष्क है हमारा माइंड है वो इस कार्य को किस रूप में समझता है, संदेश को किस रूप में समझता है, भूख के रूप में। और हमें हम क्या करते हैं, फिर आहार ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। जब अगर हमें आहार नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारा सर्द होने लग दर्द, कुछ लोग का सर दर्द होने लगता है, किसी को जी कमजोरी आने लगती है, जी मची आने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है। कुछ लोग का होता है खाना समय पे ना मिले तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। तो क्या कहते हैं, तो ये क्या करता है, ये हमें भूख को शांत करता है। तो आहार हमारी क्या करता है, भूख को शांत करता है, ठीक है। अब मानसिक कार्य कैसे, तो मानसिक कार्य कैसे, मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, तो क्या है, आय का दूसरा कार्य है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य कैसे, जैसे कि यह हमें मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। जैसे कि समझ लीजिए कि भोजन के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे एक माता अपने बच्चे का खूब मनपसंद भोजन बना रही है, क्यों बना रही है, क्यों उसके प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रही है। एक गृहिणी है वो कोई एक लड़की है, ठीक है, वो खाना बनाती है, कढ़ी बनाई बहुत अच्छी बन गई, तो क्या होगा, बहुत अच्छी बन गई तो लोग ने तारीफ कर दी तो उसे क्या हो गई, उसे खुशी मिलेगी, ठीक है, प्रशंसा सुन के उसे खुशी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, भोजन के द्वारा अपनी जो भावनाएं हैं व्यक्त की जाती है, मानसिक संतुष्टि मिलती है, ठीक है। आप क्या करते हो कि कुछ अतिथि और परिचितों को बुलाते हो खाने में, ठीक है, और फिर जब उनसे क्या होता है, जब उनसे उनके मनपसंदा भोजन दो तो वो लोग क्या करते हैं, मनपसंदा भोजन दो, अच्छी तरह खातिरदारी करो, अच्छी तरह खाना खिलाओ, तो वो लोग कहेंगे वाह क्या खाना बनाया था, बहुत अच्छा लगा। तो क्या होता है, जो गृहिणी होती है जो इतना सुबह से काम कर रही होती है तो उसको क्या एक मानसिक संतुष्टि मिलती है कि वो बहुत खुश हो जाती है, ठीक है। फिर सामाजिक कार्य क्या है, तो आहार का सामाजिक कार्य भी होता है। जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे हमारे समाज में फेस्टिवल होते हैं, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, ईद हो गया, तो उसमें क्या बनते हैं, पकवान बनते हैं, ठीक है। और परिवार के जो सदस्य दूर दूर भी हैं तो वो क्या होते हैं, सब इकट्ठे आते हैं, हो जाते हैं, ठीक है, फेस्टिवल साथ मनाते हैं, ठीक है। तो फेस्टिवल से क्या होता है, सब लोग साथ में होते हैं और सभी लोग मिलकर सहयोग से, सब लोग सहयोग करके खाना बनाते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, मतलब कि प्रेम भावना आनंद में, वो समय जो होता है वो आनंद में होता है, प्रेम भावना जागृत होती है, ठीक है। साथ ही साथ नए नए पकवान बनते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये क्या करता है, ये सब सामाजिक कार्य करता है आहार, ठीक है। अगर त्यौहार ही नहीं होगा तो लोग ही नहीं, परिवार ही नहीं इकट्ठा हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये समझ लीजिए कि
भोजन व्यक्तियों को साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। जैसे पार्टी, पिकनिक आदि आयोजनों में क्या होता है, व्यक्ति अपने परिवार मित्रों के साथ क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। साथ में भोजन ग्रहण करने से क्या होता है, अधिकांश वातावरण जो होता है वो आनंदमय और प्रफुल्लित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और आनंदमय हो जाता है, ठीक है। अतिथि के स्वागत में हम जो विशेष भोजन परोसते हैं, ठीक है, और जब हम किसी रोगी से मिलने जाते हैं तो साथ में फल ले जाना, और जब कोई रिश्तेदार आता है तो उसकी रुचि अरुचि के अनुसार भोजन बनाना, और साथ ही साथ क्या होता है कि हमारे धार्मिक जो आस्था है, जो हमारे धार्मिक त्यौहार हैं, ठीक है, उन पे भी नए नए पकवान बनते हैं, तो हमारी इससे क्या होता है, धार्मिक आस्था बनी रहती है। तो इन सब का क्या कार्य करता है, ये सब कार्य, ये सामाजिक कार्य करता है आहार, ठीक है। फिर आहार हेतु सावधानी, देखिए सभी भोज पदार्थ स्वच्छ और शुद्ध हो, भोजन बनाने का स्थान भी साफ सुथरा होना चाहिए, भोजन में आवश्यकता अनुसार विटामिन का प्रयोग हो, संतुलित भोजन करना चाहिए, भूख लगने पर भोजन गुणकारी होता है, भोजन अधिक चबा चबा के खाएं, दो भोजन के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर अवश्य होना चाहिए, चिंता क्रोध और घबराहट में भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये था आहार के शारीरिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्य। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।